एक छड़ी पर लिपटा हुआ सांप मेडिकल सिंबल का प्रतीक क्यों है? एक लकड़ी पर लिपटे हुए सांप हमने अस्पतालों की दीवारों पर या एम्बुलेंस या डॉक्टर के पर्चों पर अक्सर देखे होंगे। सांप का काटना तो हमेशा बुरी खबर माना गया है। इस हिसाब से चिकित्सा जगत का चिन्ह एक विषैला सांप, ये तो समझ में नहीं आता। दरअसल इस प्राचीन चिन्ह के पीछे एक छोटी सी कहानी है। आइए जानते हैं क्या है वो। इस चिन्ह की कहानी के दो रूपांतरण हैं। आइए पहले चिन्ह की बात करते हैं जो धारणात्मक रूप से गलत है पर अब भी चलन में है। तो पहला वर्णन है कैडुशियस। कैडुशियस परंपरागत रूप से हर्मस का चिन्ह है। हर्मस एक यूनानी देवता जो कि व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है और उनके मुखाकृति है दो सांप एक छड़ी पर लिपटे हुए। इसे अक्सर गलती से मेडिकल चिन्ह के उपयोग में लाया गया है, वजह एस्लीपियस की छड़ी के, दूसरे यूनानी देवता जो कि औषधि से संबंधित है। कुछ दस्तावेज गलतियां, गलतफहमी और भ्रम की वजह से कैडुशियस का आधुनिक उपयोग मेडिकल चिन्ह के रूप में अमेरिका में देर 19वीं सदी और पूर्व 20वीं सदी में स्थापित हुआ। ये अक्सर यूएस आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ब्रांच से जाना जाता था। 1902 में यूएस मेडिकल ऑफिसर यूनिफॉर्म्स द्वारा कैडुशियस को अपनाया गया जो कि गलत रूप से लोकप्रिय हुआ पूरे अमेरिका के मेडिकल जगत में। यहाँ तक कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाले भी इस चिन्ह को कुछ समय तक उपयोग में लाए, परंतु 1912 में महत्वपूर्ण बहस के बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कैडुशियस चिन्ह को त्याग दिया गया और एस्लीपियस की छड़ी को मेडिकल के सही चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो दूसरा वर्णन है रॉड ऑफ एस्लीपियस। इस मेडिकल चिन्ह में छड़ी पर कोई पंख नहीं है और एक ही सांप है। वह अपोलो के बेटे हैं और ग्रीक समाज के औषधि के यक्ष माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह बीमारी के स्वास्थ्य को बहाल और मृत जीवन को वापस लाने में सक्षम थे। एक और बात यह है कि मूल हिपोक्रेटिक ओथ इस आह्वान के साथ कुछ इस तरह शुरू होती है कि मैं चिकित्सक अपोलो, एस्लीपियस और सभी देवताओं की कसम खाता हूँ। असल में हिपोक्रेटिक ओथ है क्या? हिपोक्रेटिक ओथ दरअसल प्राचीन काल से चिकित्सकों द्वारा ली जा रही है। व्यापक रूप से यह यूनानी के चिकित्सा ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। अपने मूल रूप में एक नए चिकित्सक को सभी चिकित्सा देवताओं की कसम खानी आवश्यक होती है विशिष्ट नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए। तो यह शपथ एस्लीपियस की रॉड को सही साबित कर देती है। यूनानियों में सांपों को पवित्र माना जाता है और एस्लीपियस को सम्मान देते हुए वे उन्हें उपचार के अनुष्ठान के प्रयोग में लाते हैं। उनका जहर उपचारात्मक माना जाता है और उनकी त्वचा बाह को पुनर्जन और नवीकरण के रूप में देखा जाता है। तो अगली बार जब आप एक भयानक सांप वाले चिकित्सा चिन्ह को देखें तो इन बातों पर गौर जरूर फरमाएं। तो इस चिन्ह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को भी शेयर करें। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।